बहुत पैसेंजर लोग पूछते हैं ऐसे सब लोग नहीं, लेकिन जो आईपीएस जूसीएल है सब लोग जानता है तो वो लोग पूछते हैं। और पैसेंजर जो बहुत ध्यान देता है वही पूछता है कि आपके पीछे मतलब सिपाही है, तो हम बोलते हैं हमारा गार्ड है। नाम थर्माकुली, काम लोगों का बोझ उठाना। नहीं रुकिए जरा, साधारण से दिख रहे ये कुली कोई आम कुली नहीं है, ये हैं धर्मा जी। पटना जंक्शन पर 1989 से बतौर कुली काम कर रहे हैं, लेकिन एक घटना ने इन्हें आम से खास बना दिया, बस नहीं बदला तो इनका पेशा। आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे एक घटना ने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। तारीख थी 27 अक्टूबर 2013। तब बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले एक के बाद एक धमाके हुए। सुबह 10 बजे पटना जंक्शन पर पहला बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद गांधी मैदान में भी बम ब्लास्ट हुआ। पूरे पटना में सनसनी फैल गई, हर कोई परेशान था, लेकिन धर्मा जी की नजर पटना जंक्शन पर इस घटना को अंजाम दे रहे एक आतंकी पर पड़ी। फिर क्या था, जान की बाजी लगाकर धर्मा जी ने उस आतंकी को धड़ दबोचा। हमारे संवाददाता सुजित गुप्ता को उस दिन का आंखों देखी बता रहे हैं धर्मा जी, और ये भी बता रहे हैं कि कैसे उन्हें दो दो सुरक्षा गार्ड मिले हैं। 27 अक्टूबर 2013 गांधी मैदान में हुंकार रैली का प्रोग्राम था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे। उसी समय 9:30 बज रहा था, शौचालय में बम ब्लास्ट हुआ। हम इसी अपना रूम में गुली विश्राम गृह में थे, यहाँ से निकल के अपना लाठी वहाँ जाए के दरवाजा पर गए तो दरवाजा खोला बंद किया, हमको शंका हुआ तो उसको जाके पकड़े इम्तियाज अंसारी को। पकड़ने के बाद यहाँ से फिर हम प्रशासन को अपना सौंप दिया। सौंपने के बाद अपना जो भी उन लोग का FIR करना था, हम उसमें सीजर लिस्ट का गवाह भी हूँ, पकड़ा भी हूँ। पकड़ने के बाद हमारा 16 में घटना हुआ, मतलब 10 नंबर प्लेटफार्म पर हमला हुआ। और उसी समय पाकिस्तान से भी हमारा धमकी आया, 50 लाख का ऑफर भी आया, तो मैं लिख पढ़ के सगरे कागज पत्र अपना दिया। और उसी समय से अपना हम सुरक्षा की मांग अपन गुहार लगा रहे थे, तो नहीं सुरक्षा हमको मिला तो फिर हम हाई कोर्ट में अपना केस दायल किया। तो हाई कोर्ट से हमारा 16 में GRP में पहला बुडगार्ड मिला, उसके बाद फिर हमको बाहर जाने के लिए नहीं मिल रहा था कि रेल पर सरे तक ले रहता था। फिर हाई कोर्ट से हमारा 23 अप्रैल में हाई कोर्ट से आदेश हुआ, तो सुरक्षा समिति बोर्ड में पास होके तब जिला से मिला। कब मिला ये सुरक्षा आपको? ये अप्रैल में मिला है। अब आपको कोई धमकी वगैरह नहीं आती है? देखिए नेशनल मामला है, ये कोई जानता नहीं ना कि कब किसको कहा होगा। यदि यही बात रहता तो अफसर चाहे कोई हो कि हम पर घटना हो गई तो लोग सतर्क हो जाता, लेकिन अपना से तो होशियार रहना है ना। एक सवाल ये है कि जब आप लोगों का बोझ उठाते हैं उस समय बॉडीगार्ड दो हैं आपके साथ रहते हैं, तो आम लोग क्या कहते हैं, कैसी प्रतिक्रिया रहती है उनकी? बहुत पैसेंजर लोग पूछते हैं ऐसे सब लोग नहीं, लेकिन जो IPS जूसीएल है सब लोग जानता है तो वो लोग पूछते हैं। और पैसेंजर जो बहुत ध्यान देता है वही पूछता है कि आपके पीछे मतलब सिपाही है, तो हम बोलते हैं हमारा गार्ड है, तो वो लोग थोड़ा खुशी होते हैं कि चलिए भाई आपको मतलब मिला हुआ है, अच्छा है। आपके बारे में जानना चाहते हैं लोग? तो हम बताते हैं कि हाई हाई कांड है, सब लोग को नहीं बताते। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमारा घर आरा जिला पड़ता है, खवासपुर खलीफा के टोला गांव है, थाना बड़ाहरा पड़ता है, लेकिन अब सरैया कृष्णगढ़ हम लोग लिखते हैं। कब से पटना जंक्शन पे हैं आप? हम पटना में 79 से हैं, लेकिन जंक्शन पर हम लोग 30-35 वर्ष काम करते हैं, हम लोग को हो गया। धर्मा जी की सुरक्षा में एक GRP का जवान है तो दूसरा बिहार पुलिस का जवान है। धर्मा जी आज भी पटना जंक्शन पर लोगों का बोझ उठाते हैं। इन सब से बढ़कर उन्होंने साल 2013 में कई लोगों की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाई। बिहार तक उनके जज्बे और बहादुरी को सलाम करता है। पटना से सुजित गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।